वेलकम बैक टू माय माय यूट्यूब चैनल नेम इज ज्योति एंड माय प्लस एजुकेटर एंड अकेडमी फॉर पेपर टू एनवायरमेंटल साइंस तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल निश्च हैबिटेट जो की आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो एन अकेडमी को फॉलो करना चाहते हो तो टू चेक मोर स्पेशल क्लासेस आप मेरा अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो ज्योति दे मेरा अनलॉक कोड है एंड जो फ्री प्लेटफॉर्म है आपका उस पर कोई आपको पे नहीं करना होता एंड इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए ज्योति दे मेरा रेफर कोड है एंड जो भी आपका फीस होगा वो पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए होगी आपकी अलग अलग सब्सक्रिप्शन ही लेना होता आपको एंड टी जी सी नेट का कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है पेपर वन पेपर टू के जितने भी एजुकेटर्स हैं वन प्लस प्लेटफॉर्म सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं ओके okay, एंड इसके अलावा आप स्पेशल क्लास फीचर्स होते क्या है तो स्पेशल क्लास ही आपकी फ्री क्लासेस होती है जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है लाइक प्लस क्लासेस एंड आपको पोल प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग लाइव सेशंस ताकि आप अपने आप को असेस कर पाओ कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो आप एंड एज अ हैंड का ऑप्शन है आपके पास अगर कोई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है तो डायरेक्ट एजुकेटर से बात करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो एंड क्लास से पहले नोटिफिकेशन आती है नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पी फॉर्म एंड आपके पास रिकॉर्डिंग हो

हैबिटेट इज अ पार्ट एंड इज कंसिडर एज अ रियल प्लेस ऑफ एन इको सिस्टम काफी सारे फैक्टर्स है जो हैबिटेट को इफेक्ट कर रहे हैं लाइक सनलाइट एवरेज रेनफॉल एनुअल टेम्परेचर टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट एंड जो दूसरे ए बायोटिक फैक्टर्स है वो भी आपके प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटिकुलर एरिया उनको इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है और ये हर, ये क्या करें आपके ये जो फैक्टर्स मैंने अभी बताया टेम्परेचर रेनफॉल सॉइल वगैरह ये आपका क्या करें इन इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज की किसी भी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में किस तरीके की पर्टिकुलर स्पीसीज आपकी एग्जिस्ट कर सकती है वो पे इस सर्वाइव कर सकती है उसको डिफाइन करने में ये जितने भी फैक्टर्स है ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ओके वी कैन से हैबिटेट क्या है आपका हैबिटेट इज अ न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइडिंग एरिया ठीक है ये आपका क्या है जो और एनर्जी प्रोवाइड करा है वो एरिया है फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट डिफाइंड एज अ फील्ड वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन द नेचुरल हैबिटेट एंड रिफ्लेक्ट देयर वे ऑफ लिविंग किस तरीके से रह रहे हैं वो ठीक है कैसा उसका नेचुरल एनवायरमेंट है उसको डिफाइन कर रहा है, थी। है, थी। है जैसे कि पॉन्ड, रिवर ओशंस दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म किसी तरीके का एनिमल्स वहाँ पे रह सकते है? like, but, uh, कहां पे हैं बट डिफर कहाँ पे करता है आपका कि टेरेस्ट्रियल आपका एरिया में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे एंड आपका जो एक्वाटिक है उसमें एक्वाटिक ही सर्वाइव करेंगे लाइक like, अगर मैं पोंड रिवर ओशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक्वाइड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं लेकिन अगर टेरिस्टल इको सिस्टम की बात करते हो लैंड वगैरह या आपके बायोम्स वगैरह वहाँ पे आपके मेली लैंड जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो टेरिस्टल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही आपके वहाँ पे सर्वाइव करते हैं तो ये हो गए उसके बाद है आपका निश्च निश क्या होता है तो हैबिटेट हमने पढ़ा जहाँ पे कोई भी स्पीसीज सर्वाइव करते हैं उसका प्लेस जो होता है उसको हमने बोला हैबिटेट लेकिन निश क्या होता है उसका फंक्शन कि उस हैबिटेट में रह के वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है कौन कौन पे डिपेंड कर रहा है तो वो हो गया आपका निश द टर्म निश्चय इन द साइंस ऑफ इकोलॉजिकल बायोलॉजी इज यूज एज डिफाइंड टू एज ऑर्गेनिजम्स रोल इन एन इको सिस्टम कि किसी भी इको सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या फंक्शन क्या नॉट ओनली डज इट्स निश्च इंक्लूड द एनवायरमेंट दैट आर गिवन ऑर्गेनिजम्स लिविंग बट इट ऑल्सो इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स जॉब कि जॉब क्या उसका फंक्शन क्या इन दैट एनवायरमेंट अनिस्ट में ऑल्सो इन कम्पस वर्ड द ईट क्या खाता है वो ठीक है किस तरीके से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे को इंटरेक्ट करता है कैसे दूसरे नॉन लिविंग एनवायरमेंट को इंटरेक्ट करता है तो ये सारी एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूडेड हो गई आपकी यू कैन से हैबिटेट होता है जस्ट लाइक एड्रेस ठीक है कि उसका प्लेस लेकिन इज द प्रोफेशन की वो क्या प्रोफेशन कर रहा है आपका ओके तो निश्च आपका क्या होता है आपका पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पेसिफिक होता है और अगर आपकी कोई भी स्पीसीज तो कांट सर्वाइव एट अ सेम प्लेस अगर सेम का होंगी सेमिश uh, की होंगी कोई भी स्पीसीज तो एक जगह पे सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि निश्च सेम इट मीन्स उनके फंक्शन सेम उनकी नीड सेम और जब नीड सेम होंगी सेम रिसोर्सेज होंगी तो वो कॉम्पिटिशन करेंगे फिर ओके okay, तो द टू सिमिलर निश्चय कैन ओवरलैप व मस्ट बी डिस्टिंक्ट डिफरेंस टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज ओके देन टू टाइप्स के निश्च होते हैं आपके फंडामेंटल एंड रियलाइज टू टाइप के निश्च्य हो गए फंडामेंटल आपका एक नेचुरल एरिया होता है जहाँ पे कोई भी स्पीसीज सर्वाइव है रिप्रोड्यूस कर रही है बिना पीडेटर के फियर के उनको पीडेटर का कोई फियर नहीं है कोई कॉम्पिटिशन का फियर नहीं है ईजिल आपका वहाँ पे सर्वाइव करिए सर्वाइव कैसे करेगी अगर स्पीसीज का सेम निश होगा और वो फिर भी एक एरिया में विदाउट फियर ऑफ पीडेटर सर्वाइव करे विदाउट कॉम्पिटिशन सर्वाइव करें इट मीन्स वहाँ पर रिसोर्सेज अबंडेंट है एरिया बड़ा है वहाँ पर ठीक है तो हेयर स्पीसीज कैन इजिली गेट फूड फ्रॉम इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो ये हो गया आपका फंडामेंटल निश यू कैन से फंडामेंटल आपका एक ग्रोड एरिया है ठीक है जिसके अंदर आपका जो रियलाइज है वो आपका इंक्लूड होता है यू कैन से रियलाइज नीच इज अबसेट ऑफ फंडामेंटल ओके एंड ऑन द अदर हैंड रियलाइज निश इज अक्चुअल एरिया दैट अ स्पीसीज इज फाउंड इट इज द एनवायरमेंट दैट अ स्पीसीज फाइनली गेट्स बिकॉज ऑफ मैनी लिमिटिंग फैक्टर तो देखो अगर हम बात करें आज के टाइप की पॉपुलेशन की तो स्पीसीज इतनी ज़्यादा है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या होता है आपके बीच में सर्वाइवल हो सर्वाइवल के लिए कॉम्पिटिशन होता ही होता है ठीक है जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलती हूँ जैसे आपका एंटी यूज कैटेगरी अगर मैं कैटेगरी की बात करती हूँ जिसके अंदर सो मैनी आपके सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं ठीक है तो अगर उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में तो वो आपका क्या वो आपका ब्रॉड एरिया एंड एनडी यूजिसनेट इज अ ब्रॉड एरिया विच वर्क्स लाइक अ फंडामेंटल निश ठीक है वो फंडामेंटल निश की तरह वर्क कर रहा है कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है ठीक है सभी को ईजिली टीचर्स मिल जाते हैं अलग किटिग्री के ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूँ आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज एनवायरमेंटल साइंस जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके क्या है वो आपके लिमिटेड है और एक सब्जेक्ट के बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन होगा तो वो आपका हो गया रियलाइज द फंडामेंटल निश लेकिन ये आपका एक सबसेट होता है फंडामेंटल का एंड तो रियलाइज निश में जब कोई भी स्पीसी सर्वाइव करने के लिए कोशिश करती है कोशिश इन सेंस वहां पे कॉम्पिटिशन है रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी कोशिश करनी पड़ रही है उसको तो रियलाइज निश्चित होगा लेकिन अगर आपके कोशिश नहीं करनी पड़ी इजिली सर्वाइव कर रही है तो वो आपका फंडामेंटल निश्चित होगा क्योंकि लार्ज एरिया है दो स्पीसीज है रिसोर्सेज तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा फिर उसके अंदर ओके देन अब हैबिटेट और निश के बीच में कंपेरिजन की बात कर लेते हैं ठीक है तो ये ज़... काफी कॉमन आपका टॉपिक है एंड आपको पता है आपको ये छोट छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती है कई बार एग्जाम में जिस लाइक आपकी मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका जो हैबिटेट है ठीक है वो आपका किसकी तरह फंक्शन कर रहा है एड्रेस की तरह ठीक है एंड आपका जो निश्चय वो कैसे फंक्शन कर रहा है एज अ प्रोफेशन आपका होता है वो तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रिवियसर में फंडामेंटल और आपका रियलाइज uh, की डेफिनेशन भी पूछी गई है सो so, आपका टॉपिक इजी है लेकिन पूछा जाता है तो चलिए दोनों के बीच का कंपैरिजन देख लेते हैं है, हैबिटेट आपका एरिया है जहाँ पे स्पीशीज रहती है इंट्रैक्ट करती है लेकिन निश्चय की आइडियोलॉजी है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आपके प्रोवाइडेड एनवायरमेंटल कंडीशन में ठीक है एंड हैबिटेट एक हैबिटेट के अंदर न्यूमरस निश्चय हो सकते हैं लेकिन न्यूमरस निश्चय आपके जो है उनके अंदर कंपोनेंट्स नहीं हो सकते डजेंट कंटेन सच कंपोनेंट्स उसके बाद आपके जो हैबिटेट है उसको टेम्परेचर रेनफॉल एंड दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लेकिन आपका जो निश्च है उसमें कौन इफेक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपका एनर्जी का फ्लो है थ्रो इकोसिस्टम्स उसको कौन इफेक्ट कर रहा है उसको निश्च इफेक्ट कर रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट लाइक डेजर्ट ओशन फॉरेस्ट इसके एग्जाम्पल्स है लेकिन ये आपका एक पार्ट ऑफ हैबिटेट है ठीक है जहां पे आपका जो आपकी लिविंग बिग्स है उनको शेल्टर मिल रहा है आपका वी आर शेल्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फॉर निस्ट ने अगर हम बात करिए फिजिकल प्लेस हो गया और ये आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई आपकी ठीक है लेकिन आपका निश्चय वो आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होता है आपका ठीक है आप काफी सारे फैक्टर्स है जो निस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं वन बाई वन उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं लाइक हैबिटेट ठीक है प्लेस एंड टाइप ऑफ एनवाइ इन विच एन ऑर्गैनिज्म जनरलीफर्ड टू एज इट्स तो जो एक हैबिटेट है वो, उसको वो सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है तो अगर आपके रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके हैबिटेट में तो आपके निच के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है ठीक है तो ये आपका कॉम्पोनेंट ही हुआ देन फूड अगर फूड रिसोर्सेज उसको अबर्डेंट मिल रहा है फिर क्यों कॉम्पिटिशन करेंगे ओके okay, अगर फूड रिसोर्सेज अबंडेंट है देन कंपटीशन uh, नहीं करेंगे एंड सेम निश की स्पीसीज इजिली सर्वाइव कर लेंगे और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे देन कॉम्पिटिशन करेंगे देन एनवायरमेंटल कंडीस एनवायरमेंटल एयरमेंटल कंडीशन भी लाइक पीजी का केमिकल फैक्टर्स ये सारे भी अफेक्ट करते हैं स्पीसीज को सर्वाइव करने में ठीक है देन है आपके रिलेशनशिप किस तरीके से एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? जैसे मैंने कम्युनिटी इकोलॉजी में आपको कराया हुआ है कॉम्पिटिशन प्रीडेशन की दो स्पीसीज एक दूसरे को किस तरीके से इन्फेक्ट इफेक्ट कर रही है ठीक है लाइक दोनों को बेनिफिट हो रहा है म्यूचुअल बेनिफिट या एक को बेनिफिट हो रहा है एक को हार्म हो रहा है ठीक है या दोनों को हार्म हो रहे हैं दोनों अनएफेक्टेड है किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं तो वो भी उनके निश्च उनके सर्वाइवल को शो करता है ठीक है क्या अगर दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है देन दोनों को क्या है दोनों को फायदा है ठीक है दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते यू कैन से आपका पॉजिटिव इंट्रेक्शन हुआ एंड निश्चय सेम निश्चय आपके फिर भी दोनों इजिली सर्वाइव कर लेंगे लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहे हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन करें तो कॉम्पिटिशन होगा फिर तो ये हो गया आपका मेन कॉम्पोनेंट्स आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस क्या है निश्चय की तो इम्पोर्टेंस भी काफी है लाइक like निश्च किस में हेल्प कर रहा है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है इकोसिस्टम की कंपोजिशन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि निच के बेस पे कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने निच है उसी के बेस पे तो हम इकोसिस्टम की कंपोजिशन को या उसकी डाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे इसके अलावा एक वैल्युएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कौन कौन से फैक्टर है जो उसकी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन से फैक्टर पर उसके एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रही है ठीक है देन आपका यूनिक ड्यू टू यूनिक निश प्रोजेस by डिफरेंट species, competition फॉर रिसोर्सेज कैन be अवॉइडेड इन अ कम्युनिटी ठीक है उनके यूनिक निश की वजह से कोई भी species आपकी क्या है competition को अवॉइड कर सकती है मान लो आपकी वन और टू टू है दोनों के अलग अलग niche है तो easily survive कर लेंगे competition को अवॉइड करेंगे कर ठीक है क्योंकि दोनों की यूनिक niche है अगर सेम है, तो competition करेंगे कर ना हेल्प्स uh, niche हेल्प्स मेंटेन स्टेबल coexistence of ऑफ डिफरेंट in इन community. इसके अलावा निश्चय आपका क्या कर रहा है कि आपकी दो दो स्पीसीज वो आपका स्टेबिली किस तरीके से एग्जिस्ट करे उसको मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है आपका तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ओके तो आ, इसके अलावा भी आपका जो निश्चय वाला टॉपिक है उसी के साथ एक लो और आता है आपका क्वेश्चन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से गो लो जिसको बोलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रीवियसर में कि आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यू कैन से गो लो होता क्या है तो इसको हम गोसलो गोशन गोस ने इकोलॉजिस्ट uh, थे डिपेंड करते हैं तो वो कॉम्पीट करेंगी वो सेम लिमिटेड एंड एक जगह पे दोनों की पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करेंगी कांट को एग्जिस्ट एट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन वैल्यूज ये आपका है, लो है लो के अकॉर्डिंग बोला गया ये एडवांटेज ओवर अदर तो वो क्या करेगी वो दूसरी के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी वो ज्यादा पावरफुल होगी ठीक है और ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेगी एज कम्पेयर टू अदर ठीक है एंड दिस लीड्स आइदर टू द एक्सटिंक्शन इसकी वजह से आपका जो कॉम्पिटिटर वीकर स्पीसीज है वो आपका क्या हो जाएगा या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ठीक है ड्यू टू क्या आपका आइदर टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द वीकर कॉम्पिटिटर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज और एन इवोल्यूशनरी शिफ्ट टूअर्ड्स डिफरेंट इकोलॉजिकल इकोलॉजिकलिश या अपनी uh, food habit, या, अपनी जो उसी को कर देगा, या तो एक्सटिंक्ट हो गया आपका ठीक एक, एक है थीके? या फिर आपका क्या गया उसने इकोलॉजिकल निश्च को डिफर कर दिया उसने अपनी जो नीड है उसी को चेंज कर दिया ठीक है तो ये दोनों हो गए आपके अगर दोनों की निश्चय सेम हो गई या यू कैन से जो वीकर कॉम्पिटेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो जो बेटर है डोमिनेट वाला वही सर्वाइव करेगा फिर ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स यहाँ पे दो टाइप यहाँ पे कॉम्पिटिशन शो किया गया है इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन डिफर बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज एंड इंट्रा स्पेसिफिक होता है आपका सेम स्पीसीज के बीच का कॉम्पिटिशन ठीक है तो गाइज ये जो टॉपिक है यहाँ पे कंपीट होता है अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं लाइक ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ प्रीवियसर में आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑर्गेनिज बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल तो अगर ओनली फिजिकल आता देन हैबिटेट है हम लोग ठीक है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल रोल की भी बात की गई है तो क्या होगा आपका फंक्शनल रोल की वजह से यहाँ पे आपका निश्चय आ गया ठीक निश्च। तो है निश्चय तो आंसर है इकोलॉजिकल निश्चय इस तरीके से ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ स्टाइल दैट एन ऑर्गेनाइज कोशिश करना ट्राई करना किसी चीज के लिए एंड द रिसोर्स इट यूटिलाईज इज अफर टू एस जब किसी भी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए कोई भी स्पीसीज ट्राई करती है इट मीन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड जब रिसोर्सिस लिमिटेड है कोशिश करनी पड़ रही है तो आपका रियलाइज निश्च होगा छोटे लेवल पे निश्चय होगा आपका ठीक है एंड द नेक्स्ट इज आपका अन निश्च ऑफ दीज वे दर इज नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर स्पीशीज़ और जहां पे कंपटीशन नहीं है कॉम्पिटिशन कहाँ नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेज आर अबर सो दैट so आपका आंसर क्या होना चाहिए फंडामेंटल तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो हेल्पफुल हुआ तो क्या है? करना लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो इसके अलावा आप अकेडमी मेरे को फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो भी क्लासेस होती है आपकी सभी का लिंक मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ स्पेशल क्लासेस जो भी होते हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और टू चेक मोर स्पेशल क्लासेस आप मेको अन अकेडमी भी फॉलो कर सकते हो एंड मेरा लोक को सकते हो तो विजय ज्योति धैया ठीक है तो चलिए गाइज अभी हम करते हैं क्लास को एंड अप ओके बाय है